भारत और चीन के रिश्ते इस समय एकदम निचले स्तर पर चले गए हैं और हमारे देश में कई दिनों से बायकॉट चाइना प्रोडक्ट मूवमेंट चल रहा है। वैसे ऐसा भारत में पहली बार नहीं हुआ है, कई बार बायकॉट चाइना प्रोडक्ट मूवमेंट चल चुका है, पर उसके बाद भी लोगों ने खूब चाइनीज प्रोडक्ट खरीदा है, खूब चाइनीज ऐप इंस्टॉल किए हैं और इन सब से हमने खुद की ही इमेज ग्लोबली डाउन की है। और इसे एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या हम सच में चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट कर सकते हैं? क्या हम चाइनीज प्रोडक्ट के बिना रह सकते हैं? तो चलिए मैं आज आपको सच्चाई का सामना कराता हूँ। भारत के स्मार्टफोन मार्केट में चीन का 72% कब्जा है। भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट में, दूर संचार उपकरण में चीन का 25% कब्जा है। टेलीविजन मार्केट में चीन का 45% कब्जा है। होम अप्लायंस में चीन का 12% कब्जा है। ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर पार्ट्स में चीन का 26% कब्जा है। स्टील में चीन का 20% कब्जा है। फार्मा एपीआई में चीन का 68% भारतीय मार्केट पर कब्जा है। तो क्या ये सब बायकॉट करना पॉसिबल है? अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और हमने ये किया भी है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी तो उस समय भारत में पीपीई किट्स नहीं बना करती थी। भारत भी बाकी देशों की तरह चाइना पे निर्भर था और उसे पीपीई किट्स खरीदता था और चाइना फॉल्टी किट्स भेज देता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत ने आत्मनिर्भर बनने की सोची और उसके सिर्फ 2 महीने बाद ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया पीपीई किट्स का। जी हाँ, सिर्फ 60 दिनों में भारत ने ये बात प्रूफ करके दिखाई है कि भारत चाइना पे निर्भर नहीं है और अब डेली भारत में लगभग 4 से 5 लाख पीपीई किट्स बन रही है और 2025 तक ये इंडस्ट्री की वैल्यू $60 बिलियन तक की हो जाएगी। बहुत से लोग बायकॉट को गलत तरीके से ले लेते हैं। देखो, बायकॉट का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी सामान इस समय यूज कर रहे हो उसे फेंक दो। इसे बायकॉट नहीं कहते हैं, इसे बेवकूफी कहते हैं। बायकॉट करने का मतलब है कि आप फ्यूचर में चाइनीज प्रोडक्ट को ना लो। तो आप सोच रहे होंगे कि चाइनीज प्रोडक्ट को कैसे बायकॉट किया जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेटिव। सबसे पहले भारतीयों को ये जानना होगा कि कौन कौन से चाइनीज प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि आप स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो तो आप सबसे पहले चाइनीज स्मार्टफोन के अल्टरनेटिव देखो। अगर इंडियन ब्रांड्स अवेलेबल है तो आप उसे खरीद सकते हैं या फिर आप दूसरे देशों के ब्रांड्स खरीद सकते हैं, जैसे कि सैमसंग एसएस, जो कि एक ताइवान बेस्ड कंपनी है। इसी तरह आप चाइनीज ऐप के साथ भी कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है। होता है, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हैं ये लोग एड रेवेन्यू से ऐप के थ्रू। आप लोगों को बस एक काम करना है, अगर आज आप 10 में से 7 या 8 चाइनीज प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं इस समय, तो फ्यूचर में उसकी गिनती धीरे धीरे कम करिए, उसके अल्टरनेटिव्स खोजने की कोशिश करिए और उसे यूज करिए। प्रमोट लोकल। भारत सरकार को लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट कर देना चाहिए और भारतीयों को लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में एक दूसरे को बताना चालू कर देना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि भारत सरकार को चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए, इससे अपने आप ही लोकल मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट प्रमोट होंगे। तो आपका कहना सही है, पर ऐसा किया नहीं जा सकता है क्योंकि वजह है WTO। भारत WTO का मेंबर है और WTO के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके चलते आप किसी भी देश के प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकते। इसीलिए भारत भी चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन नहीं कर सकता है, इवन अमेरिका भी नहीं कर सकता है। इसीलिए अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया है। भारत के CAIT ने चाइना के 3000 प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार की है जिसके अल्टरनेटिव ज्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। CAIT 7 करोड़ ट्रेडर्स और 40,000 ट्रेड एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है। CAIT ने चाइना के $13 बिलियन लगभग 1 लाख करोड़ के मार्केट को दिसंबर 2021 तक भारत में खत्म करने का टारगेट सेट किया है। मेक पब्लिक अवेयरनेस। प्रॉब्लम हमारे देश में यह है कि बहुत से लोगों को इन सब बातों के बारे में पता नहीं होता है। उन्हें इंडियन और चाइनीज प्रोडक्ट के बीच डिफरेंस पता नहीं होता है, लोकल फॉर वोकल का मतलब भी नहीं पता होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोगों को खुद करना है। जिन लोगों को इन सब के बारे में नहीं पता है, उन लोगों को इन चीजों के बारे में बताना है। उन्हें चाइनीज प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव्स के बारे में बताना है, लोकल फॉर वोकल का मतलब समझाना है। जैसे कि मेरे इस वीडियो से अगर एक इंसान भी फ्यूचर में चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करेगा तो इससे मेरा कंट्रीब्यूशन देश की तरफ इस सिचुएशन में पूरा हो जाएगा। ना मैं खरीदूंगा, ना मेरे जरिए एक इंसान फ्यूचर में चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदेगा। सेम आपको भी ऐसा ही करना है। सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी लेनी है, चाहे वो दोस्त हो, घर वाला हो या कोई और इंसान हो। सिर्फ एक इंसान को समझाना है और उन्हें इसकी अहमियत बतानी है। और मुझे लगता है कि इतना तो हम कर ही सकते हैं। और हमारे सिर्फ इतना करने से ही आप चाइना को अपनी तरफ से डैमेज पहुंचा देंगे। मुझे पता है कि यूट्यूब ये वीडियो को भी डाउन कर देगा क्योंकि इसमें नेगेटिविटी नहीं है, झूठ नहीं है। पर ये वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो को रीयूज कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। बस जितना हो सके लोगों को इसके बारे में बताएं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।